उल्लाल नगर की रानी अबक्का चौका को क्या जानते हैं आप? साल था 1555, जब पुर्तगाली सेना कालीकट, बीजापुर, दमन, मुंबई को जीतते हुए गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना चुकी थी। टक्कर में कोई न पाकर उन्होंने पुराने कपिलेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर उस पर चर्च स्थापित कर डाली। मंगलौर का व्यावसायिक बंदरगाह अब उनका अगला निशाना था। उनकी बदकिस्मती थी कि वहां से सिर्फ 14 किलोमीटर पर उल्लाल राज्य था, जहां की शासक थी 30 साल की रानी अबक्का चौटा। पुर्तगालियों ने रानी को हल्के में लेते हुए केवल कुछ सैनिकों को उसे पकड़ने भेजा, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। क्रोधित पुर्तगालियों ने अब एडमिरल डॉम अल्वेरो ड सिल्वेरा के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। शीघ्र ही जख्मी एडमिरल खाली हाथ वापस लौट आया। इसके बाद पुर्तगालियों की तीसरी कोशिश भी बेकार साबित हुई। चौथी बार में पुर्तगाल सेना ने मंगलौर बंदरगाह जीत लिया। सोच थी कि यहां से रानी का किला जीतना आसान होगा, और फिर उन्होंने यही किया। जनरल जाओ पिक्सिटो ने एक बड़ी सेना के साथ उल्लाल जीतकर रानी को पकड़ने के लिए वहां से चलना प्रयास किया, लेकिन ये क्या, किला खाली था और रानी का कहीं अता पता भी न था। पुर्तगाली सेना हर्षोल्लास से बिना लड़े किला फतेह समझ बैठी। वे जश्न में डूबे थे कि रानी अबक्का अपने चुनिंदा 200 जवान के साथ उन पर भूखे शेरों की भांति टूट पड़ी। बिना लड़े जनरल व अधिकतर पुर्तगाली मारे गए, बाकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसी रात रानी अबक्का ने मंगलौर पोर्ट पर हमला कर दिया, जिसमें उसने पुर्तगाली चीफ को मारकर पोर्ट को मुक्त करा लिया। कालीकट के राजा के जनरल ने रानी अबक्का की ओर से लड़ाई लड़ी और मैंगलुरु में पुर्तगालियों का किला तबाह कर दिया, लेकिन वहां से लौटते वक्त जनरल पुत्र पुर्तगालियों के हाथों मारे गए। अब आप अवश्य ही उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। रानी अबक्का के देशद्रोही पति लक्ष्मणप्पा ने पुर्तगालियों से धन लेकर उसे पकड़वा दिया और जेल में रानी विद्रोह के दौरान मारी गई। क्या आपने इस वीर रानी अबक्का चौटा के बारे में पहले कभी सुना या पढ़ा है? इस रानी के बारे में जो 4 दशकों तक विदेशी आतताइयों से वीरता के साथ लड़ती रही, हमारी पाठ्य पुस्तकें चुप हैं। अगर यही रानी अबक्का यूरोप या अमेरिका में पैदा होती तो उस पर पूरी की पूरी किताबें लिखी गई होती। आज भी रानी अबक्का चौटा की याद में उनके नगर उल्लाल में उत्सव मनाया जाता है, और इस वीर रानी अबक्का उत्सव में प्रतिष्ठित महिलाओं को वीर रानी अबक्का प्रशस्ति पुरस्कार से नवाजा भी जाता है। इस कहानी से ये 2 बात साफ है। हमें हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से जानबूझकर वंचित रखा गया है। रानी अबक्का चौटा के बारे में कुछ लोग तो शायद पहली ही बार ये सुन रहे होंगे। ये हमारी 1000 साल की दास्तां अपने ही देशवासियों के विश्वासघात का नतीजा है। दुर्भाग्य से यह आज भी यथावत है।